हेलो स्टूडेंट्स, सो अपन ने अपनी पिछली वीडियो में रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था एंड उसके अंदर जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच है उसे भी सॉल्व कर लिया था। फाइन, तो आज हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि वो जो बात रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहीं पे क्यों हैं, कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा एटम, जो स्टेबिलिटी रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाया, किस बंदे ने एक्सप्लेन करी, तो वो है अगला मॉडल, यानी कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल। फाइन, बंदे का नाम है नील बोहर। फाइन, सो बोहर एटॉमिक मॉडल में जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन करने वाला है। फाइन, यानी कि वो जो बात उसने नहीं बताई थी कि भाई ये जो बीच में न्यूक्लियस था ये बाहर इलेक्ट्रॉन था, तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, जिसको उसने स्टेशनरी ऑर्बिट बोला। ऑर्बिट मतलब एक बेसिकली एक पाथ है, ठीक है ना, एंड स्टेशनरी मतलब खड़ा हुआ है, यानी कि ये बेसिकली एक पाथ जो ऑलरेडी डिजाइंड है फॉर अ इलेक्ट्रॉन, उसी के अंदर ही कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। फाइन, और इसने उस चीज को क्या बोला, शेल्स। फाइन, इसने क्या बोला, शेल्स, यानी कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in certain stationary paths known as orbits या फिर shells। क्या बोला उसने, इस particular चीज को बोला shell, जिसमें electron revolve कर रहा है। ना वही मुद्दे की बात अटकी हुई है कि फिर ये इलेक्ट्रॉन जब एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के अराउंड घूम रही है तो ऐसे कैसे स्टेशनरी है, यही तो लिमिटेशन था रदरफोर्ड का। तो इस बंदे ने कैसे दूर किया, उसने बोला कि देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आपने छोटे होते हुए ये देखा होगा कि आप डोरी के साथ एक डोर के साथ एक पत्थर बांधिए और उसे घुमाइए। फाइन, और जब भी आप उसे छोड़ोगे तो वो क्या होगा, टेंजेंटली बाहर की तरफ चला जाएगा, यानी कि वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एंड ये जो अट्रैक्शन है, क्योंकि ये एक पॉजिटिवली चार्ज चीज है और ये एक नेगेटिवली चार्ज चीज है, इन दोनों की जो अट्रैक्शन है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा था और एटम कोलैप्स होना चाहिए था, एक्चुअली में ये बाहर वाली जो घुमाते टाइम जो बाहर की तरफ लग रही फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इक्वेट कर रही है। इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी पाथ में इस बात के लिए है क्योंकि अंदर की अट्रैक्टिव फोर्स बाहर की सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। फाइन, तो हम चाहे तो सेकंड पॉइंट बना सकते हैं, चाहे इसी में पैराग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आई एम मेकिंग अ सेकंड पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेशनरी पाथ बिकॉज कोलंबिक फोर्सेस of attraction are equal to the centripetal force, बाहर की तरफ लग रही centripetal force और अंदर की तरफ लग रही coulombic forces of attraction, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, equal है। इसका मतलब coulombic forces अगर हम देखें तो ये है अंदर की तरफ लग रही फोर्स बाहर की तरफ लग रही फोर्स के क्या है, इक्वल। जो अंदर की तरफ लग रही थी इन दोनों के बीच में एंड जो बाहर की तरफ लग रही थी, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, जिसके चक्कर में वो इलेक्ट्रॉन ना तो अंदर की तरफ होके एटम कोलैप्स हो रहा है ना ही बाहर जा रहा है। फाइन, अल्टीमेटली वो अपने एक
स्टेशनरी पाथ में ही रिवॉल्व कर रहा है। फाइन, तो ये जो बोहर बनता है फिर ये रिस्पॉन्सिबल हुआ इस बात के लिए शेल्स की डिस्कवरी के लिए। फाइन, शेल्स जो बेसिकली बाद में 1, 2, 3, 4 के नाम से यानी कि के एल एम एन, ठीक है ना, शेल्स आर डेजिग्नेटेड एज शेल्स को किस तरीके से डेजिग्नेट किया गया कि फर्स्ट शेल को के देन एल देन एम एंड एन एंड सो ऑन करके शेल्स को डेजिग्नेट किया गया फॉर द फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, कुछ इस तरीके से। फाइन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। सो पॉइंट नंबर 4 बेसिकली क्या कहना चाहता है कि देखो अब ये जो हमने बनाया था बेसिकली स्ट्रक्चर, बीच में न्यूक्लियस और बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या ये एक ही पाथ है? नहीं, ऐसे बहुत सारे पाथ हैं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पाथ सही है? यानी कि सर्कल तो जैसे मर्जी बनाते रहो, ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर लिमिट तो होनी चाहिए ना कि ये वाली चीज फर्स्ट सर्कल है, ये वाली चीज सेकेंड सर्कल है। तो उसने बोला कि ओनली दैट शेल्स या फिर कह सकते हैं ऑर्बिट्स आर परमिसिबल, मतलब समझ रहे हो ना, परमिसिबल मतलब हमें ये चाहिए कि यार ऐसे तो शेल्स तो बहुत बन जाएंगे, कितने भी सर्कल मारो। जैसे मैं कह रहा हूं कि सपोज ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा है, कैसे पता चला ये दूसरा है? भाई यहां भी तो आ सकता था, ये क्यों नहीं है, यही क्यों है? तो उसने बोला कि हर एक शेल एक डिफाइंड है कि ये इतने डिस्टेंस पे पहला लेना है, इतने डिस्टेंस पे दूसरा लेना है। फाइन, तो ओनली दैट शेल्स आर परमिसिबल हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π, जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो एच अपॉन 2π का इंटेग्रल मल्टीपल आएगा। इसका मतलब mvr, यानी कि ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम mvr, एच अपॉन 2π का इंटेग्रल मल्टीपल यानी कि nh अपॉन 2π। फाइन, देखा जाए एच अपॉन 2π एक मैथमेटिकल नंबर है, h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, h एक प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल पर सेकेंड। फाइन, एंड 2π, 2 इज बेसिकली मैथमेटिकल नंबर, पाई इज बेसिकली मैथमेटिकल नंबर, तो ये सारा हमारे पास क्या बन गया है, एक मैथमेटिकल नंबर। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये सारा क्या आएगा, एक मैथमेटिकल नंबर आएगा। उस मैथमेटिकल नंबर को जो भी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सूट करेगी उतने रेडियस पे हम पहला शेल मानेंगे। इज दैट थिंग क्लियर? जितने रेडियस पे पहला शेल बनेगा, जो आर की वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू को सूट करेगी जब एन वन होगा, उसे ही पहला शेल माना जाएगा। एंड जो आर की वैल्यू अब जब n 2 पुट करके यहां में सॉल्व करके निकल के आएगा, उसे ही सेकंड शेल माना जाएगा। यानी कि यूं ही हम अपने आप से सिर्फ सर्कुलर पाथ्स ड्रॉ करके शेल नहीं डिफाइन कर सकते। फाइन, तो उसने बोहर ने बोला कि यार हर वो शेल परमिसिबल है जिसका एंगुलर मोमेंटम h / 2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। एंड इंटीग्रल मल्टीपल बाद में काफी एक बड़ी थ्योरी आ जाएगी हमारे पास, क्वांटम थ्योरी, जो कि बेसिकली ये बताएगा कि ये इंटीग्रल होना बेसिकली एक पार्टिकल नेचर है। फाइन, तो इस पे लीड करेंगे हम आगे, पर फिलहाल के लिए समझे हर वही शेल परमिसिबल है जिसका एंगुलर मोमेंटम h / 2π का इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि इस मैथमेटिकल नंबर का मल्टीपल वैल्यू बनेगा। फाइन, एंड फिफ्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी छोड़ेंगे या फिर रेडिएशन छोड़ेंगे व्हाइल
moving from higher shell to lower shell, ठीक है ना, and vice versa statement is also true, यानी कि they will absorb energy and move to higher shell. फाइन, देख लेते हैं थोड़ा सा. अगर हम देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन इस वाले शेल में है, यानी कि ऊपर वाला शेल है, जैसे मर्जी ले लो, चाहे टू ले लो, वन ले लो, चाहे कोई फाइव ले लो, इसे थ्री ले लो या टू ले लो, जैसे मर्जी ले लो, एक ऊपर वाला शेल है. अगर ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को अमिट करेगा. एंड एनर्जी अमिट करेगा एक रेडिएशन की फॉर्म में, एनर्जी अमिट करेगा रेडिएशन की फॉर्म में. ये जो ई है, अब रेडिएशन की फॉर्म में कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, फ्रीक्वेंसी. फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, एनर्जी क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट कर रखा है. एच वही प्लैंक्स कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी है. आप इसे, अब ये कौन सी एनर्जी जो यहां से यहां तक छोड़ी गई है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसे, डेल ई. फाइन, यानी कि चेंज इन द एनर्जी ऑफ दीज टू शेल्स, दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी, यहां पे क्या आ जाएगा, डेल ई किसके इक्वल है, वो एनर्जी जो छोड़ दी गई है किस फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में. ये एनर्जी जो छोड़ दी गई है किस फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, या फिर डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज सी अपॉन लैम्डा. फाइन, सिमिलरली ये भी बात ट्रू है कि अगर आप नीचे वाले शेल में हो तो ये कोई ना कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा एंड ऊपर वाले शेल में जा सकता है. इस केस में क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, एंड इस केस में क्या हो रहा है, अमिशन हो रहा है. इज दैट क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू बोहर, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले सेल से नीचे वाले सेल की तरफ आ रहा है तो वो एक रेडिएशन अमिट करता है जो कि किसके इक्वल है, तो एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू द एच फ्रीक्वेंसी. एंड अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है देन द सेम केस इज लागू, यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्ब्डा, यहाँ पे वैलिड हो जाएगा. इज दैट थिंग क्लियर? सो हमारे पास दो बड़े तगड़े फॉर्मूले निकल के आ गए हैं यहाँ पे, इवन तीन फॉर्मूले निकल के आ गए हैं. पहले हमने एक फॉर्मूला निकाला था क्या, KQ1Q2/R² = mv² / r, एंड यहाँ पे क्या फॉर्मूला निकल के आ गया है, mvr = nh/2π, एंड थर्ड फॉर्मूला जो निकल के आ गया है वो है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्ब्डा. इसका मतलब जबरदस्त न्यूमेरिकल आने वाले हैं बोहर के अंदर से. फाइन, तो मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट, इसने और क्या बोला, देखो बड़ा ही मिरेकुलस बंदा है ये, बहुत ज्यादा कुछ बताया इसने अपनी थ्योरी में. तो लेट्स मूव टू द सिक्स्थ पॉइंट. सो नेक्स्ट इज द सिक्स्थ पॉइंट. फाइन, काफी ज्यादा यार न्यूमेरिकल इशू है इस बंदे में, मतलब इसने यार पता है क्या, इतना तेज बंदा है ये कि इसने ये भी बता दिया कि वो जो ऑर्बिट है, वो जो अपने शेल्स बनाए हैं एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से, उनका क्या रेडियस आना चाहिए. फाइन, तो अकॉर्डिंग टू हिम रेडियस ऑफ nth शेल ही हैज कैलकुलेटेड लाइक r ऑफ n इज इक्वल टू 0.529 × 10⁻¹⁰ n स्क्वायर बाय z मीटर. Fine, you can also write it as 0.529 n² / z angstrom. एक ही बात है, दोनों ही पंडे क्लियर हैं. Fine, मतलब वो तो 10⁻¹⁰ को angstrom में पुट कर रखा है, nothing a serious thing. Fine, पर समझने की बात क्या है, देखो आप जिस भी शेल का रेडियस निकालना चाहते हैं, if you want to calculate the radius of the fifth shell, put the value of n as 5. ठीक है ना, एंड किसी भी एटम के लिए निकालना चाहते हो, पर एक बात याद रखना हमेशा, बोहर की जो थ्योरी है ना ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए अवेलेबल है. इसका लिमिटेशन है ये बहुत बड़ा कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ही नहीं है. आप ध्यान दीजिए, जब भी हमने ये किया था, मैं बना देता हूं, ये वाला चीज किया था ना कि अंदर की अट्रैक्शन
बाहर इंपल्सिव फोर्सेस, बाहर इंपल्शन क्या है सेंट्रीपिटल, अट्रैक्शन क्या है कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्लस माइनस को खींच रहा है, पर बाहर की तरफ जाने वाली फोर्स रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स के इक्वल थी, तब याद रखिए मैंने इलेक्ट्रॉन एक लिया था, मैंने ये नहीं लिया कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कोई रिपल्शन कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली में बोहर ने जब थ्योरी एक्सप्लेन करी थी ना उसमें उसने दो इलेक्ट्रॉन लिए ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन लिया था। तो यहां जेड कुछ भी आ सकता है, यानी कि कोई भी एटम लिया जा सकता है पर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए, तभी ये थ्योरी वैलिड है। फाइन, तो Rm is equal to 0.529, आप किसी भी एटम के जो मतलब बेसिकली उसका आयनिक फॉर्म बन जाएगा, नहीं तो हाइड्रोजन के लिए ये वाले फॉर्मूले में n का वैल्यू पुट करिए जिस भी शेल के लिए चाहिए, n z का वैल्यू पुट करिए। देखो थोड़ा सा टेक्निकली सोच के देखो, जो जितना बड़ा शेल होगा जितना ज्यादा बड़ा n आएगा उतना ज्यादा बड़ा आ रहा है, जितना बड़ा शेल होगा उतना बड़ा रेडियस आना चाहिए, एंड जितना बड़ा सेट होगा उतना रेडियस छोटा आना चाहिए। ऑब्वियसली सेट क्या है, बीच में पड़े हुए प्रोटॉन्स, जितने ज्यादा होंगे उतना खिंच के रहेगा और रेडियस कम आएगा, जितना ये ज्यादा होगा तो ये कम आना चाहिए, जितना ये ज्यादा होगा ये ज्यादा आना चाहिए। टेक्निकली थिंकिंग तो बिल्कुल सही जा रहा है। फाइन, एंड अगर हम देखें सेवंथ फॉर्मूला, यार इस बंदे ने ना ये भी बता दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना इस शेल के अंदर कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, ये जबरदस्त बंदा है ये। फाइन, तो इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज ऑल्सो क्लियर, 2.18 इंटू 10^6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। फाइन, तो इस बंदे ने ये भी बता दिया है कि वेलोसिटी जो है वो कितनी आने वाली है, 2.18, मतलब वही सेम सिस्टम है, आप z की वैल्यू पुट करिए कौन से एटम के लिए आप निकालना चाह रहे हो और n की वैल्यू पुट करिए कौन से शेल के लिए आप ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हो, ठीक है ना। पर ये बंदा बताऊं यहां रुकने वालों में से है नहीं था, इसने ये भी बता दिया कि वो जो इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में घूम रहा है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होनी चाहिए। फाइन, तो वो कितनी एनर्जी है। फाइन, इसने जो बेसिकली बोला था ना कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो एक एनर्जी शेल में, ठीक है ना। फाइन, हम बात करेंगे नाइन्थ पॉइंट में, मतलब इसने शेल्स को क्या ट्रीट किया था, एक एनर्जी लेवल्स की तरह ट्रीट किया था। तो हर शेल की एक एनर्जी है, यानी कि तो इसने वो एनर्जी भी कैलकुलेट करके बता दी कि वो कितनी आनी चाहिए। फाइन, तो इसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी भाई आप इसे जूल्स में भी लिख सकते हो, -21.8 × 10^-18 आ जाएगा अगर ये जूल्स में कैलकुलेट करना, बड़ा सौखा सा काम है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ 1.6 × 10^-19 भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप जूल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1.6 × 10^-19 जूल्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। फाइन, तो मतलब यू विल गेट द फाइनल आंसर। सो दिस इज व्हाट is the energy of the any electron in the nth orbit, जो भी वो उस particular shell में घूम रहा है उसकी कितनी energy होनी चाहिए, ये basically वो चीज है। Fine, कोई दिक्कत? And moving on to the last point, that is the ninth point, here we can write it as fine. तो ninth point में इस बंदे ने बताया कि इस बंदे ने बताया कि भाई हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी है, जो हम यहाँ पे बात करके हटे हैं एट पॉइंट में, ठीक है ना। ये हम पहले कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ से आगे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है कि हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी है,
इस बात के लिए हर ऑर्बिट को, हर शेल को ये बंदा एनर्जी लेवल कहता है। और अगर एनर्जी लेवल कहता है तो यहां से पॉइंट क्लियर है, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 याद करिए क्या था हमारा, ऊपर वाले शेल की एनर्जी नीचे वाले शेल की एनर्जी दोनों का डिफरेंस जो है वो रेडिएशन एमिट कर दी गई है, फाइन। तो यार यहां से तो क्लियर ही है, अगर ऊपर वाला शेल का एनर्जी लेवल है तब भी तो उसकी एनर्जी है, नीचे वाले की एनर्जी है, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस जो है वो एमिट कर दिया गया है, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहता है तो वो एब्जॉर्ब करा लिया गया है। इज दैट थिंग क्लियर, फाइन। सो ये बेसिकली पोस्टुलेट्स हैं अपनी वीडियो में, वो विल सेग्रीगेट दिस, ठीक है ना, मतलब एक बेसिकली आपके पास एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें आपको ये तीनों फॉर्मूले यानी कि रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी एंड इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अगर हम जेई एडवांस को देख के बनाएं तो टाइम पीरियड की कितने टाइम में एक इलेक्ट्रॉन अपना पूरा रोटेशन पूरा कर रहा है एंड क्या फ्रीक्वेंसी है वो सब कुछ मैं अपनी अगली वीडियो में डिराइव करने वाला हूँ।